नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मैं शेफ राजेश फ्रॉम देसी शेफ लिटिल किचन से। दोस्तों, आज मैं बनाने जा रहा हूँ झटपट बन जाने वाले ये सोयाबीन, और ये सोयाबीन चूरा से मैं बनाऊँगा आज सोया चंक्स, पर इस तरीके से कि जैसे हम पनीर टिक्के बनाते हैं। इससे पहले मैंने चाप तो आपके साथ शेयर करी थी कि हम सोया चाप कैसे बनाते हैं, परंतु आज बच्चा बोल रहा था कि पनीर खाना है, तो मैंने कहा चलो पनीर की जगह इसी को बनाते हैं आज, थोड़ा सा पनीर के स्टाइल में, और मैं भी एक एक्सपेरिमेंट ही कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने आधा कप सोयाबीन ले लिए, एक कप सोयाबीन का चूरा ले लिया, और एक कप मैदा ले लिया है इनको गूंद के बाइंड करने के लिए, और थोड़ा बहुत सॉल्ट तो जाएगा ही जाएगा, परंतु मैं इसमें डालूँगा गार्लिक पेस्ट, ताकि जो सोया चंक्स मैं बनाने जा रहा हूँ पनीर टिक्का स्टाइल में, उसके अंदर में उस ब्लेंड ना रहे, उसी के अंदर में वो लहसुन एब्जॉर्ब कर जाए, और थोड़ा बहुत नमक तो डलेगा डलेगा, ताकि बिल्कुल ही ब्लेंड ना हो जाए। तो बस इनको, सोयाबीन को और सोया चूरा को मैं फटाफट मिक्सी में पीस लेता हूँ, और पीसने के बाद में मैं इसको तैयार करता हूँ। बस मैं यूँ गया और यूँ आया। तो लीजिए दोस्तों, मैंने सोयाबीन का चूरा और सोयाबीन को मैंने मिक्सी में पीस के इसको अच्छे से छान लिया है। अब इसी के अंदर में मैं एक कप मैदा डाल दूंगा। कटोरी मैंने सेम ही रखी है, आपके पास जो भी चीज़ हो उसका मेजरमेंट सेम ही रखिएगा। इसके अंदर में मैंने एक कप सोयाबीन का चूरा, आधा कप सोयाबीन और एक कप मैंने मैदा लिया है, और इसी के अंदर में मैं अब डालूँगा थोड़ा सा सॉल्ट, सॉल्ट में ज़्यादा नहीं डालूँगा क्योंकि हमने इसको जब प्रोसेस करना है तो तभी भी हमने डालना है, तो इसलिए बस इसका ब्लेंडनेस को ख़त्म करने के लिए मैं इसमें सॉल्ट डाल रहा हूँ। तो मैंने इसके अंदर में ऑलमोस्ट 5 ग्राम के लगभग तेल डाल दिया है, और इसके अंदर में ये मैं गार्लिक पेस्ट ऐसे पीस के रख लेता हूँ, जिंजर गार्लिक पेस्ट, तो इसको भी मैं इसी में डाल दूँगा, ये भी मैं डाल दूँगा लगभग 1 चम्मच के लगभग। और दोस्तों, अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको हल्का सा इसी में डाइल्यूट करके इसमें से मैं ये गार्लिक डाल दूंगा इसमें, और अब इसके अंदर में ये मेरे ऑलरेडी लहसुनी पनीर के चंक्स बन जाएंगे। बस इसको मैं झटपट गूंद के, इसका जैसे आटा गूंदते हैं बस वैसे ही गूंदना है। तो बस मैं गूंद के मिलता हूँ आपसे। बस मैं यूँ गया और यूँ आया। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसको गूंद लेंगे, क्योंकि इसके अंदर में सोयाबीन का चूरा और सोयाबीन की दाल को हमने पीस के डाला है, तो जैसे दाल और सोयाबीन का चूरा फूलता है तो ये भी फूलेंगे, तो इनको भी थोड़ा सा रेस्ट का टाइम दूंगा मैं, ताकि ये जितना फूलना है फूल जाए, क्योंकि हमने बहुत सख्त आटा नहीं लगाना है, नॉर्मल जैसा आटा लगता है वैसा ही लगाना है। तो बस ये देखिए, और इसको बहुत ज़्यादा रगड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत मलने की भी ज़रूरत नहीं है, बस इसको ऐसे ही देखिए हाथ के हाथ ही थोड़े से पानी से ही, यानी कि मेजरमेंट के हिसाब से देखा जाए तो इसमें भी 1 कटोरी के लगभग ही मेरा पानी लगा है। तो रेशो क्लियर हो गई, आधा कप सोयाबीन की दाल, 1 कप मैदा, 1 कप सोयाबीन का चूरा, और इन दाल को और सोयाबीन के चूरे को मैंने मिक्सी में डाल के पीस के उसको अच्छे से छान लिया, और जो थोड़ा बहुत रह गया था उसको बीच में ही ढोड़ दिया थोड़ा सा, अगर दरदरा है भी तो कोई बात नहीं। ये देखिए कितना शानदार डो लग गया मेरा। बस इसको मैं 15 से 20 मिनट रेस्ट दे दूंगा, मीन टाइम गैस पे कढ़ाई चढ़ा दूंगा इनके चंक्स को ब्लांच करने के लिए। तो बस ये देखिए अभी ये अच्छे से फूल जाएगा। तो लीजिए दोस्तों, जो मैंने सोयाबीन का डो बनाया था आपके साथ में, उसके मैंने ऐसे छोटे छोटे पेड़े काट लिए, और अब इसको हल्का सा पानी लगा के इसको हाथ पे
फ्लैट कर लेना। ये एक आइडिया है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और बीच में आप कुछ भी भरना चाहें भर सकते हैं। जैसे मैं ये थोड़ा सा काजू रख रहा हूँ, और जैसे पराठा रोल करते हैं ना बिल्कुल वैसे, इसको नरम हाथ से बस इस तरीके से हमने ऐसे, ये देखिए ऐसे रोल कर लेना है। तो ये एक तरह का ये पिलो पैक बन गया। बस हल्का सा पानी लगा के इसको हमने सील कर लेना है। दोस्तों ये हल्का सा जो आइडिया मैंने मारा है वो ये है कि जब भी हम गुलाब जामुन वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर में हलवाई जो है बड़ी स्मार्टली गुलाब जामुन के बीच में चीनी, मिश्री और इलायची ऐसे रख देता है, ताकि बिल्कुल गुलाब जामुन के जो सेंटर है वहाँ पर वो जो चीनी या मिश्री जब पिघलेगी तो वो भी गर्म होएगी और वो अंदर से भी उसको पकाने में मदद करेगी। और अक्सर गुलाब जामुन सेंटर से कच्चा रहने का जो डाउट होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो यही मैं ट्रिक इसमें भी अपना रहा हूँ। ये मैंने इसके अंदर में, ये देखिए इस तरीके से मैं काजू रख रहा हूँ। आप पनीर का टुकड़ा रख सकते हैं, आप कोई वेजिटेबल रख सकते हैं चॉप करके, जैसा आपको समझ में वैसा आप कर सकते हैं। तो ये एक मैं आइडिया ले रहा हूँ इस तरीके से। और ये देखिए जैसे पराठा रोल होता है बस वैसे ही हमने इसको सबको बारी बारी ऐसे ही हमने रोल कर लेना है। तो लीजिए दोस्तों, ये मेरे सारी सामग्री से ये ऑलमोस्ट मेरे 25 रोल तैयार हो गए हैं सोयाबीन के। और अब इनको मैं पानी के अंदर में, इनको जैसे मैंने अपनी चांप ब्लांच करी थी इनको भी मैं ब्लांच कर लूँगा। बस आइडिया ये कि इसको इसमें छोड़ दीजिए थोड़ा थोड़ा करके, और जैसे ये ऊपर आ जाए समझ लीजिए कि ये पक गए हैं। ये देखिए बस इसी तरह एक या दो बैच के अंदर में ये मेरे सारे के सारे जो चंक्स हैं इनको मैं ब्लांच कर लूँगा। उतना ही डालिए जितना इसमें जगह है। और दोस्तों ये अभी थोड़ा सा स्वेल भी करेंगे, फूलेंगे भी, तो ये काफ़ी बड़े बड़े हो जाएंगे। तो ये देखिए बस इतना, और इसके इसी तरह मैं दोनों बैच बारी बारी ब्लांच कर लूँगा। पानी उबलते रहना चाहिए ताकि पानी ठंडा ना हो। और जैसे ही ये ऊपर आते हैं समझ लो कि ये एकदम तैयार है। तो अभी तो ये नीचे बैठे हुए हैं, जैसे ऊपर आते हैं मैं मिलता हूँ। तो लीजिए दोस्तों ये देखिए, ये अपने आप ही एकदम प्रोसेस वही पास्ता वाला है, राइस वाला ही है, कि जब भी ये चीज़ें पकेंगी तो ये ऊपर को स्वयं कर जाएंगी, तैर जाएंगी। और ये देखिए ये सारे के सारे जितने भी मैंने इसमें ये रोल डाले थे सोयाबीन के, ये अब देखिए ऊपर आ गए हैं और फूटे भी नहीं हैं। और ये देखिए साइज़ में भी मैं दोनों का कंपैरिजन दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोनों का साइज़ का फ़र्क देखिए आप। बनने के बाद में ये कितनी बड़ी हो गई है, और ये अभी स्वेल करनी है। तो ये देखिए इस तरीके से हम दोनों बैचों को बारी बारी इसमें ब्लांच कर लेंगे। ये देखिए पहला बैच कितना शानदार तैयार हो गया है। और दोस्तों ये जो मैंने इसके बीच में पराठे की तरह इसका जो रोल बनाया है, उसका एक मेरे दिमाग में जो रीज़न आया है वो यही आया है कि जब हम इसको अगली तैयार करेंगे तो इसके अंदर में नेक्स्ट है इसको हल्का सा, जैसे इसका पानी निथर जाता है इसको हम फ्राई करेंगे तो इसके अंदर में इसकी परतें बने। तो ये देखिए अब ये गया मेरा अगला बैच। बस जैसे ये भी उबल के ऊपर आता है तो ये भी तैयार होगा। और दोस्तों ये जो नीचे जो पानी है इसको आप फेंकिएगा नहीं, ये एक तरह का सोयाबीन का ही स्टॉक बन गया है। इसमें भी प्रोटीन की कोई ना कोई प्रचुर मात्रा तो इस नेचुरल लेफ्ट ओवर में होगी ही होगी। तो इसको भी आप चावल बनाते टाइम या आटा गूंदते टाइम, इसको ठंडा होने पे हम इसे गूंद सकते हैं, तो ये इसकी जो प्रोटीन की वैल्यू है हम उसको भी पूरा का पूरा यूज़ कर सकते हैं। बस ये देखिए झटपटी हो जाएंगे। और इसी तरह इनको सबको निकाल के ऐसे स्ट्रेनर में थोड़ी देर छोड़ देना है ताकि इसके अंदर में थोड़ी भी ड्रिपिंग हो तो उसको हम ड्रेन आउट कर लें। और साथ ही मैंने
कढ़ाई चढ़ा दी है दोस्तों, जैसे हलवाई करते हैं या रेस्टोरेंट वाले करते हैं, वो भी इसको तुरंत ही फ्राई मार देते हैं। शेल्फ लाइफ तो बढ़ी जाती है, प्लस मैरिनेशन वगैरह के अंदर में भी जब इसकी लेयर्स तलने के बाद में अच्छे से खुल जाती हैं तो वो उसको मैरिनेशन को अच्छे से अब्सॉर्ब करती है। तो बस आप भी ऐसे ही करिएगा, बहुत स्वाद बनेगी जैसे कि मैंने अपनी चाँप बनाई थी। बस इनको झटपट ब्लांच करके फ्राई करके और फिर उसके बाद मैरिनेशन में मिलता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, जब तक ये मेरा दूसरा बैच फ्राई हो रहा है, सॉरी बॉयल हो रहा है, ब्लांच हो रहा है, तब तक मैं ये पहला बैच इसको मैं मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर में इसको मैं फ्राई कर लूँगा। थोड़ा जान से डालिएगा, ये देखिए फटाफट नाम पूछ रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, अगला बैच भी ब्लांच होके धीरे धीरे स्वेल करके ऊपर आ गया और इधर मेरा पहला बैच अच्छे से फ्राई भी हो गया। दोस्तों इसको बहुत ज़्यादा हार्ड फ्राई नहीं करना, हमने इसको हमने बस सॉफ्ट फ्राई ही रखना है। और बस ये देखिए, ये हल्के से गोल्डन हो गए, ताकि ये इसलिए किया ताकि इसके लेयर्स खुल जाएं, ये देखिए। और अब इसी तरह हम बाकी भी मैं अपने ये चाप जो है, ये जो मैंने बनाए हैं रोल बनाए हैं, इसको मैं दूसरे बैच को भी ऐसे ही तल लूँगा। और इसके बाद में इसका थर्ड स्टेप आएगा इसका मैरिनेशन, और फाइनल आएगा इसका एग्जीक्यूशन। तो ये देखिए, और अब थोड़ा सा तेल को टेम्परेचर आने देते हैं और तब तक मैं इनको भी निकाल लेता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, ये स्टॉक मेरा एकदम तैयार, जिसको मैं किसी भी चीज़ में प्रयोग कर में ले आऊँगा, किस्त में लेके आऊँगा, उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर दूँगा। और ये मेरे नेक्स्ट बैच भी तैयार, बस अब इनको भी मैं फटाफट फ्राई कर लूँगा। तो ये देखिए मेरा अगला बैच भी गया। और दोस्तों हम इनको जितना प्रयोग में लेके आना उतना तो ला ही सकते हैं, नहीं तो हम इनको अपना फ्रिज के अंदर में स्टोर भी कर सकते हैं, काफ़ी टाइम आराम से निकल जाता है। और आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं, और जब ज़रूरत पड़े तो इसको थॉ करके भी हम इसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको बना के स्टोर भी कर सकते हैं। और दूसरा, मैं इसको साथ साथ इसलिए फ्राई कर रहा हूँ क्योंकि अभी ये ऑलरेडी जब मैंने इसको ब्लांच किया तो ये गर्म था, तो तेल जो है ना बहुत जल्दी ठंडा नहीं होगा जैसे मैं इसको साथ साथ इसके फ्राई कर दूँगा। तो एक तो तेल का टेम्परेचर भी ठंडा नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी गर्म थे, और ये अपनी गर्मी के साथ अभी भी कुक हो ही रहे थे, तो इसको इसी टाइम इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं इसको झटपट फ्राई कर दूंगा, और ताकि इसकी लेयर और अच्छे से खुल जाए। तो बस आंच मीडियम हाई रखिएगा, फुल पे मत रखिए। देखिए दोस्तों, तलने के बाद में ये देखिए कैसे इसकी लेयर्स ऐसे कैसे खुल रही हैं। और अब ये देखिए अंदर से कैसे इसकी लेयर्स में फर्स्ट क्लास जाली पड़ गई है, ये देखिए, और कितने ही शानदार हुए हैं। और अब जब इसको मैं मैरिनेट करूँगा तो बस ये और अच्छे से इस मैरिनेशन को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो आप भी बनाइए और बनाते खाते जाइए। तो लीजिए दोस्तों, ये मेरा अगला बैच भी तैयार होके निकला है, और ये देखिए शानदार मेरी ये सारी की सारी जो मैंने सोयाबीन के रोल बनाए थे, ये एकदम तैयार हो गए हैं, और अब इनको मैं मैरिनेट करूँगा। तो दोस्तों इसका अगला भाग जो रेसिपी का है वो मैं सेकंड एपिसोड में आपके साथ शेयर करूँगा। आज इनको मैंने कैसे बनाया है ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और साथ ही मैं इसकी अगला वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जिसमें मैं इसको कैसे मैरिनेट करना है, किस तरीके से इसको आगे एग्जीक्यूट करना है, और इसको कैसे फिनिश करना है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इसके अंदर में सबसे बड़ी बात, आप इसको ऐसे ही ब्लांच करके भी फ्रीज़र में या रेफ्रिजरेटर में भी रेफ्रिजरेटर में भी इसको स्टोर कर सकते हैं, और फ्रीज़र में भी इसको फ्रीज करके अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। जब ज़रूरत पड़े इसको आप अच्छे से थॉ कीजिए और यूज़ कर लीजिए। दूसरा, इसके अंदर में अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो आप प्याज लहसुन अवॉइड भी कर सकते हैं। तीसरा,
ये फर्स्ट क्लास ऐसे ही चाट मसाला डाल के भी आप खा सकते हैं, जैसा कि जो मैंने आपके साथ शेयर किया उसको मैं खा गया। मेन चीज़ इसके बीच में जो मैंने स्टफिंग करी है उसका मैंने अभी जो मेरे एग्जीक्यूशन में मैंने जो महसूस किया वो यही महसूस किया है कि अंदर से जो अंदर की गहराई तक का जो कोर है वहाँ पर कच्चा रहने का कोई चांस नहीं है। और काजू, मैंने तो काजू डाला, आप जो मर्ज़ी डालिए, आप पनीर भी डाल सकते हैं इसके बीच में, सब्जियाँ भी डाल के चॉप करके डाल सकते हैं। स्टफिंग टोटली आपके ऊपर है कि आप इसमें क्या स्टफ करना चाहते हो और आपकी फैमिली क्या पसंद करती है। तो बस आज के लिए इतना ही, इसके साथ ही मैं झट ही इसकी अगली रेसिपी भी शेयर कर दूंगा कि मैंने इसको कैसे मैरिनेट किया और उसको फाइनल एग्जीक्यूशन कैसे किया। तो बस मिलता हूँ अगले वीडियो में अगली रेसिपी, अगली टिप और अगली ट्रिक के साथ में। और दोस्तों, ये जो रेसिपी है ये भी मैंने बिल्कुल पहली बार ही ट्राई करी है और डरते डरते ही शेयर करी आपके साथ में। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे मोटिवेशन को बनाए रखिए और मेरे वीडियो को प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए फॉर माय वीडियोस नोटिफिकेशन। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में इसके अगले प्रोसेस के साथ में, इसके मैरिनेशंस और इसके एग्जीक्यूशन। तो बस मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक आपका दिन शुभ हो, खाते रहिए और बचाते रहिए।